हेलो हेलो भैया, वो तुम्हें कितने दिन से सिस्टम दिया हुआ मैंने, वो कब रिपेयर होगा? जे का एंट्रेंस एग्जाम है मेरे पोते का, बिना लैपटॉप के कैसे तैयारी करेगा वो? मैडम जी, एक हफ्ता और लग जाएगा। एक हफ्ता? हाँ। अरे इतने दिन से तुम्हें लैपटॉप दिया हुआ है, अब तक क्या कर रहे थे? वो मैडम जी, मैं अपने दोस्त का लैपटॉप सही कर रहा था, गेम खेलने में दिक्कत हो रही थी उसके बेटे को। छोटा बच्चा है, रो रहा था, इसलिए उसका लैपटॉप पहले सही कर दिया। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? मेरे पोते के करियर का सवाल है। मैडम जी, वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आपके पोते के करियर से मुझे क्या लेना देना, एक हफ्ता लगेगा, नहीं तो आप कहीं और से सही करवा लीजिए। अच्छा, कहीं और से ठीक करा लूं तो मेरी वारंटी वॉइड नहीं हो जाएगी? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम जी, आप अपना देख लीजिए। अब क्या करूं, जहां इतने दिन रुकी हूं, एक हफ्ता और सही। ठीक है। भैया, अभी कुछ दिन पहले तो ये लैपटॉप ठीक कराया था, फिर से खराब हो गया, कैसा काम किया है आपने? अरे मैडम जी, मशीन की गारंटी थोड़ी ना ले सकता हूँ मैं, रुकिए देखता हूँ। ये लीजिए, आपका लैपटॉप तो कबाड़ा हो चुका है, आपको नया लैपटॉप लेना होगा, 80,000 रुपए का। नया लैपटॉप? हाँ। अरे एक महीना पहले इसे लिया मैंने, कैसे खराब हो सकता है? अरे मैडम जी, मशीन है, इनका भरोसा थोड़ी ना होता है। आप एक काम कीजिए, मेरी दुकान से नया लैपटॉप ले लीजिए, आपको 5,000 रुपए डिस्काउंट भी दे दूंगा, 75,000 दे देना। लूट मचा रखी है तुमने, बिना पैसों को कोई बात ही नहीं करते हो तुम। कैसी बातें कर रही है मैडम? मेरे पोते के करियर का सवाल है और तुम्हें पैसों की पड़ी है? अच्छा, आपको अपने पोते के करियर की बड़ी चिंता है, लेकिन उस लड़की का क्या जिसका करियर आपने खराब कर दिया? मैम, डिजर्विंग कैंडिडेट, फिर मेरी जगह ये सीट किसी और को क्यों दी जा रही? डिजर्विंग का मुझे नहीं पता, वो पैसे दे रहे हैं तो सीट उन्हीं को मिलेगी, तुम एडमिशन कहीं और ले लो। मैम, मेरा सपना था कि मैं स्टेट के सबसे बेस्ट कॉलेज से पढ़ूं, कहीं और एडमिशन लेने से वो सपना तो पूरा नहीं हो जाएगा। देखो, तुम्हें सीट चाहिए तो 2,00,000 तो देने पड़ेंगे, 2,00,000 दे दो, सीट ले लो। मैडम, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, ऑलरेडी स्कॉलरशिप से पढ़ रही हूँ, 2,00,000 कहाँ से लाऊँ? नहीं दे सकती तो अपना सपना लेकर कहीं और चली जाओ, राइट? आपने अपने लालच के चक्कर में उस लड़की के सारे सपने तोड़ दिए, कितना दिल टूटा होगा उस लड़की का आपकी बातें सुनकर, कभी सोचा है आपने? अरे वो लड़की पैसे नहीं दे सकती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने कामयाब होने के सपने नहीं देख सकती। पता नहीं किस हाल में होगी वो, पढ़ाई कर भी रही होगी या नहीं कुछ नहीं पता। मैडम, आप टीचर हैं, आप ही के हाथ में होता है बच्चों का भविष्य बनाना, ना कि बिगाड़ना, समझिए आप। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, किसी दूसरे के दुख का एहसास तभी होता है जब आप खुद उस दुख से गुजरते हो। मैं आज ही उस लड़की की इंफॉर्मेशन निकलवाती हूँ और उसके लिए एक नई सीट अरेंज करवाती हूँ। बहुत अच्छा। और मैडम, मैंने आपको जो तकलीफ दी है उसके लिए माफी चाहता हूँ। और हाँ, आपके लैपटॉप में ज़्यादा खराबी नहीं है, सिर्फ 500 रुपये का खर्चा है, मैं उसको आज ही सही करके शाम तक दे दूंगा। नमस्ते। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो, हैप्पी न्यू ईयर।